हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर टू पढ़ रहे थे द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको हीट जोन्स के बारे में बताऊंगी। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। The earth is divided into three climatic zones that are torrid zone, temperate zone and frigid zone. तो पहले भी मैंने आपको बताया है और स्टैंडर्ड फिफ्थ में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी दो इमेजिनरी लाइन से उसको बांटा गया है। एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजेंटल। तो आपको पता है जो लाइन ऑफ पैरेलल्स या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स जो होते हैं वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं। कई बार मैंने बच्चों को बताया है फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आज आपको फिर बता दूं जो लैटिट्यूड्स होते हैं वह हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, इसलिए सूरज जो है पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है। आप हमेशा याद रखें कि जो लैटिट्यूड और पैरेलल्स होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं वह नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। तो हमेशा आप याद रखेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और जो वर्टिकल लाइन होते हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इससे हमें डेट का पता चलता है और कौन सा जगह कहाँ पे लोकेट है ये भी पता चलता है। तो हमने पहले जान लिया है कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्जिट्यूड क्या है, ग्रिड सिस्टम क्या है। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि टॉरिड जोन किधर है और फ्रिजिड जोन किधर है, टेम्परेट जोन किधर है। मैंने यहाँ छोटा छोटा लिखा है, आप बुक में देखेंगे पेज नंबर 128 में यहाँ पे आप देखेंगे दिखाई दे रहा होगा। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो भी बुक ले ले, या एनसीईआरटी की बुक है तो उससे पढ़े, और जिनके पास ऑलरेडी है बुक वो पढ़े, अच्छे से बुक रीड करे और फिगर को समझे। तो आप लोग सब जानते हैं नॉर्थ पोल क्या होता है, 90 डिग्री, और यह है आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल क्या होगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है इक्वेटर 0 डिग्री, और यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ, इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, यह है विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, जो भूमि को दो भागों में बांटता है, और यह है 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के दोनों भागों पर हमेशा एक जैसी रोशनी नहीं रहती है, और यह जो है बल्गिंग वाला हिस्सा, कल मैंने या पिछले वीडियो में आपने देखा है कि मैंने बताया कि कैसे दोनों पोल्स जो है दबे हुए होते हैं, और उसके बाद आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के पास सूरज की किरणें हमेशा स्लैंटिंग रहती हैं। यहाँ पे सूरज की किरणें डायरेक्ट कभी नहीं जाती हैं, और पूरे वर्ष में सिर्फ 2 या 1.5 महीने ही यहाँ पे रोशनी जाती है, बिल्कुल थोड़ी। इस वजह से यह क्या हो जाता है, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड, ये हो गया फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड। और टॉरिड जो है, सबसे पहले हम लोग इक्वेटर से, जैसा कि आप जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लाइमेटिक और थ्री हीट जोन्स दैट आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन।
पृथ्वी के जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाता है तो उसको तीन भागों में बांटा गया है, और इस तीन भागों को, एक है टॉरिड जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, द जोन बिटवीन ट्रॉपिक एंड कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्सपीरियंस टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में और इक्वेटर के दोनों आसपास, 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। और उसके ऊपर आप देखेंगे 10 डिग्री अर्थ, 15 डिग्री भी आप बोल सकते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो हिस्सा होता है वह किस में आता है? नॉर्थ टेम्परेट जोन। टेम्परेट मींस, टॉरिड मींस वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर, हॉट एंड ह्यूमिड। तो टॉरिड जोन के पास जो इक्वेटर के ज्यादातर पार्ट है, इक्वेटर के पास के ज्यादातर जो पार्ट है वह पूरे वर्ष, जैसे ब्राजील है, DRC है, इक्वेडोर है, और बहुत सारे देश है, वेनेजुएला है, तो बहुत सारे, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सब देश जो है ज्यादातर गर्म हिस्से वाले देश है, और भारत के अधिकांश हिस्से भी टॉरिड जोन के, भारत के नीचे वाले तमिलनाडु का जो हिस्सा है और उसके आसपास के जो भी हिस्से हैं वह टॉरिड जोन में ही आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का हिस्सा जो होता है वह टेम्परेट जोन होता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और एशिया के ऊपर वाले देश आते हैं। उसके बाद है नीचे साउथ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन को दो हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। तो साउथ टेम्परेट जोन जो है वह अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा है, इसे बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। एंड देन है साउथ फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन को भी दो हिस्सों में बांटा गया है क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें पूरे वर्ष नहीं पड़ती हैं, और दो एक महीने यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, वह भी डायरेक्ट नहीं होता है, नियर द इक्वेटर सनरेज जो है, सनलाइट पूरे वर्ष डायरेक्ट पड़ता है, और एक साल में एक समय ऐसा आता है जहाँ पे एक बार पूरा डायरेक्ट सनलाइट उसके ओवरहेड, उसके ऊपर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाले हिस्से में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो है वह बराबर, इस पर डायरेक्ट सनलाइट कभी नहीं जाता है, ओवर सराइटिंग जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। उसी तरह अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा होता है। साउथ फ्रिजिड जोन और नॉर्थ फ्रिजिड जोन जो है यह पोलर रीजन है और यहाँ पे पूरे वर्ष बिल्कुल ठंडा होता है, और इन जगहों पे आबादी, इनहेबिटेशन जो है बिल्कुल ही कम होता है, बहुत स्पार्सली वेजिटेशन भी होते हैं यहाँ पे और हैबिटेशन भी बहुत कम होता है। ऑल पार्ट ऑफ द हार्ट डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशन बिकॉज दे रिसीव डायरेक्ट सन रेज ऑफ द सन। द प्लेसेस विच लाई इन द पोलर रीजन हैव कोल्डर क्लाइमेट बिकॉज दे रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। इज दैट क्लियर? तो पृथ्वी को तीन हिस्सों में, तीन हीट जोन में बांटा गया है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, और टेम्परेट जोन को दो हिस्से में, साउथ टेम्परेट जोन और नॉर्थ टेम्परेट जोन, और फ्रिजिड जोन को भी नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन में बांटा गया है। टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट जोन बिकॉज द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड एट द लीस्ट ड्यूरिंग द सोलर ईयर इन दिस जोन। दिस जोन एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया लाई इन दिस जोन। टेम्परेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। द टेम्परेट जोन लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ। इन दिस जोन द सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। आपको भी मैंने बताया कि इस जोन में कभी भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है, और इसमें दस द क्लाइमेट इज मॉडरेट बिकॉज ऑफ
स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन द फोर एनुअल सीजन स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर अकर इन दिस एरिया। तो भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आधा किस भाग में है? अपने यहाँ इलाहाबाद से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखाएं गुजरती हैं, जो बिहार के कुछ हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए निकलते हैं। कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड द हायर रीचेस ऑफ एशिया आर सम प्लेसेस विच फॉल इन द नॉर्थ टेम्परेट जोन। द साउथ टेम्परेट जोन इंक्लूड साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, सम पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड सम पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड और फ्रीजिंग। द फ्रिजिड जोन कंप्राइजेज ऑफ द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। दीज रीजन आर द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सनलाइट आर जनरली कवर्ड विथ आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन में, साउथ फ्रिजिड जोन में तो कोई भी देश नहीं है, लेकिन नॉर्थ फ्रिजिड जोन में ग्रीनलैंड है, नॉर्वे है, जहाँ पे थोड़ा बहुत आबादी है, वेजिटेशन है, लेकिन साउथ फ्रिजिड जोन में कोई भी देश नहीं आता है। अंटार्कटिका जो है कॉन्टिनेंट मोस्टली साउथ फ्रिजिड जोन में ही पाया जाता है, और वहाँ पे कोई थोड़ा सा वहाँ पे वेजिटेशन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ जानवर पाए जाते हैं, जैसे पेंगुइन सिर्फ नॉर्थ फ्रिजिड जोन में, सॉरी पेंगुइन जो है वह सिर्फ साउथ फ्रिजिड जोन में पाए जाते हैं, वह नॉर्थ फ्रिजिड जोन में नहीं पाए जाते हैं। नॉर्थ फ्रिजिड जोन में वॉलरस, पोलर बियर ये सब पाए जाते हैं, रेंडियर, लेकिन साउथ फ्रिजिड जोन में पोलर बियर नहीं पाए जाते हैं। वहां पे कुछ डिफरेंट टाइप की फिशेस और डॉल्फिन्स, वेल्स और पेंगुइन्स, बाकी जो भी फ्रिजिड जोन के एनिमल है, वॉलरस है, सील है, पोलर बियर है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ फ्रिजिड जोन में, रेंडियर है। तो अगले सेशन में आप पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का क्या इम्पोर्टेंस है और लॉन्जिट्यूड का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज आप अच्छे से इसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, और ध्यान दें कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लाइमेटिक जोन ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे जैसे पृथ्वी का जो पैरेलल लाइंस है अलग अलग, वह जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, उसी के आधार पर पृथ्वी को तीन गर्म भागों में, तीन हीट जोन्स में बांटा गया है, जो एक बिल्कुल गर्म है, दूसरा थोड़ा गर्म और ठंडा जिसको मॉडरेट बोलते हैं, और तीसरा है बिल्कुल ही ठंडा, और ठंडे वाले को भी दो भागों में बांटा गया है, और जो मॉडरेट क्लाइमेट है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो अगले चीज की मतलब अगला जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इसे पढ़े और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करें। हैव अ गुड डे।